मेरी शादी की रात थी और मैं बेहद घबराई हुई थी। रोहेल के बारे में मेरी नंदे मुझे पहले ही बता चुकी थी कि वो बेहद रोमांटिक किस्म का नौजवान है और मेरी तस्वीर देखकर मेरा दीवाना हो गया है। मैं उन लड़कियों में से ना थी जो रोमांस को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। मुझे एक नॉर्मल लाइफ पसंद थी। शौहर का हर वक्त बीवी की तारीफें करके आगे पीछे घूमते रहना मुझे छिछोरापन सा लगता था और रोहेल बिल्कुल वैसा ही था। शादी की रात उसने मेरी तारीफ के लिए सीधे साधे लफ्जों के बजाय एक गजल मुझे सुनाई थी। मुझे आज तक कभी शायरी समझ ही नहीं आई थी, इसलिए उसकी रोमांटिक शायरी भी मेरे सर के ऊपर से गुजरी थी। मुझसे कहने लगा, कैसी लगी गजल? मैंने कहा, जी अच्छी है। बहरहाल एक साल बाद ही कुछ समझ में आती है कि औरत का शौहर उसके लिए कितनी मोहब्बत रखता है। रोहेल आम मर्दों से मुख्तलिफ था। मर्दों की तरह मुझे ये नहीं कहा था कि मेरी माँ के आगे जुबान मत चलाना, उनके हुक्म के आगे सर झुकाए रखना, मेरी बहनों की खिदमत करना, या जब वो ससुराल से यहाँ आए तो उन्हें शिकायत का मौका ना देना, ये सब नहीं कहा था उसने। उसने तो बस अपनी और मेरी बात की थी। शादी के शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे थे। रोहेल का इरादा था कि हम हनीमून के लिए एबटाबाद जाएंगे और उसके बाद सैफुल मलूक, नारान, कागान, लाइफ को बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे। शौक तो मुझे भी बहुत था घूमने फिरने का, लेकिन शादी के फौरन बाद मेरे ससुर की तबीयत कुछ इस तरह खराब रहने लगी कि उन्होंने हमें जाने से मना कर दिया। कहने लगे, अगले महीने चले जाना। एक तो शादी पर खर्चा भी बहुत हो चुका है, अब मेरी बीमारी पर भी।